Good morning, friends. So, let's start now. We have already discussed something about computer technology in our previous lecture. अगर आपको आवाज सही आ रही है तो यस लिख दें, फिर हम आगे बढ़ें. अगर आपको आवाज सही आ रही है तो आप यस लिख दें. तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. आज हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, सीपीयू के बारे में और आगे भी कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे. So now let's talk about the input and output device. So what is the input device? Input device generally used for input your data in the CPU or in the computer with the help of mouse, keyboard, scanner, etc. After inputting data, computer process this raw data and produce a sequential information. As form of output. जो हम डाटा डालते हैं इनपुट के रूप में, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद में उसको आउटपुट आपको देता है. उस आउटपुट को आप यूज कर सकते हैं अपने लिए. तो अब हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में. इनपुट का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, यानी जो भी कुछ आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं, दे सकते हैं डाटा, कंप्यूटर को इनपुट करा सकते हैं, वो डिवाइस कराते हैं आपके इनपुट डिवाइस. नाउ सीपीयू. सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो एज द नेम सीपीयू, सीपीयू परफॉर्म ऑल कंट्रोल एंड ऑल प्रोसेस. So you can divide CPU in the three parts: AU, ALU. आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, जिसमें कि आपका डाटा जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है वो किया जाता है ALU. दूसरा है आपका MU, इसमें आपका मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट में आपका डाटा सेव किया जाता है. और तीसरा आपका डाटा रहता है रैम में, जहां पर कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में वो आगे उसको भेजता है. तो आप कहते हो जैसे कि ह्यूमन के अंदर उसका दिमाग होता है, उसका माइंड होता है, सेम इसी तरह से कंप्यूटर में होता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट work like human brain. So you can use CPU for the all controls in your computer. अब क्या क्या कर सकता है आपका, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है कंप्यूटर को, उसको वो कंट्रोल यूनिट में भेजता है और वहां से वो डिसाइड करता है कि उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजना है या सेव करना है, क्या करना है, यहां से डिसाइड किया जाता है. दूसरा है आपका परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन इन डाटा. जो भी आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है वो भी आपकी यहां पे होती है. तीसरा है आपका होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शन विच आर करंटली यूज. जो आप डाटा अभी यूज कर रहे हैं उनको होल्ड करता है और उनको प्रोसेस करता है आगे भेजता है. अब देखिए ये कैसे काम करता है, इसको मैं डिवाइड करूं तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैं आपको समझाऊं तो वो कैसे काम करता है. एक इनपुट होता है, इनपुट से डाटा जाता है आपका कंप्यूटर में, जिसको बोलते हैं आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट.
यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट होती है, वो डिसाइड करती है कहाँ भेजना है डाटा, वो भेजती है आपके मान लो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में अगर डाटा है आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड, और भेजता है मेमोरी यूनिट में अगर आपका डाटा है स्टोर करने का। दूसरा है आपका स्टोरेज। तो आप तीन रूप में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ फिगर बना के। ये मान लीजिए आपका डाटा है जो है आपका कंट्रोल यूनिट में डाटा आता है। अब यहाँ से डिसाइड होगा ये कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है और अगर सेव करने के लिए नहीं है तो डाटा वापस भेज दिया जाता है कंट्रोल यूनिट। अगर डाटा सेव करने के लिए है तो ये आपका भेज दिया जाएगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी आपका डाटा भेजा जाएगा यहाँ से मेमोरी यूनिट। अब सारा काम हो गया आपका इसके बाद में, ये डाटा भेजा जाएगा आपका आउटपुट में। आउटपुट इस तरह से ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है जहां पर कि आपका पूरा सिस्टम आपका पूरा कंप्यूटर काम करता है, वो उस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, एएलयू। ये जो होती है ये क्या करती है, तो एएलयू जनरली परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू सम कैलकुलेशन देन एएलयू परफॉर्म वर्क फॉर दिस। दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल ऑल हार्डवेयर ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, आपके जो भी हार्डवेयर होते हैं उन सारे के सारे पार्ट को करती है कंट्रोल। तो जो भी आप कंप्यूटर में भेजते हो कंट्रोल किया जाता है, इसके द्वारा आपके सारे हार्डवेयर को भी करती है कंट्रोल। कौन सा डाटा कहाँ जाना है, सेव होना है, क्या होना है, ये सारा डिसाइड होता है इसमें। इसके बाद में अगर डाटा कैलकुलेशन के लिए है तो एएलयू भेज दिया जाता है, मेमोरी के लिए है तो मेमोरी भेज दिया जाता है। अगला है आपका मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और है आपका जिसको हम कह रहे हैं मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी को हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप, एक है आपका प्राइमरी मेमोरी, अदर है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जितनी आपके कंप्यूटर में आती है जैसे रोम होती है तो वहाँ पर फिक्स होती है, इसमें आप कुछ सेव नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर में नहीं होती है। बट इन द सेकेंडरी मेमोरी इफ यू वांट टू सेव सम डाटा देन यू कैन यूज द सेकेंडरी मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका एग्जांपल मैं दूं आपको, रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप सिर्फ डाटा रीड कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर में फिक्स होती है, एक चिप की तरह होती है, जैसे आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उस तरह से ये होती है आपकी उसमें फिक्स, जिसको आप बोलते हैं रोम भी बोलते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसका एग्जांपल है आपका ईपीरोम। बस इनके थोड़े नाम में डिफरेंस है,
ईपी रोम है, ईई रोम है। ईपी रोम का मैं बताता हूँ आपका इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जो ईपी रोम है आपका उसको हम इरेज कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। दूसरा है आपका ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। एक है आपका फ्लैश, फ्लैश रोम इसको बोलते हैं, फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपका ईईपी रोम का पार्ट होता है, बट इट्स इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड एंड राइट इन द ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ सिंगल बाइट्स। इसका जो डाटा है वो ब्लॉक्स के रूप में लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले हमने बात की रीड ओनली मेमोरी, अब बात करते हैं हम इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम के बारे में। रैम जनरली यूज फॉर स्टोर योर डाटा टेम्परेरी। अगर आपको अपना डाटा टेम्परेरी रूप से स्टोर रखना है तो आप यूज करेंगे रैम का। रैम की जरूरत हमें इसलिए होती है जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद में जो है वो टेम्परेरी रूप से हमारा डाटा रहता है कंप्यूटर में, क्योंकि उसको हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अभी हमें मान लीजिए कोई डाटा स्टोर नहीं करना है, सिर्फ देखना है या उसमें चेंज करना है, उसमें करेक्शन करना है, इसलिए वो रहता है रैम। और आपका जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो स्टार्ट होता है आपका रूम से, और जब आप कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो अपना वो आता है रैम, तो वो भी रैम में आता है। आप जो भी काम करते हो यानी कंप्यूटर पर आप जो भी करते हो वो रैम में ही आता है, टेम्परेरी रूप से आता है, अभी परमानेंट रूप से नहीं गया। जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपका डाटा सेव कर दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी, इसको आप हार्ड डिस्क कहते हो। इस तरह से आप डाटा को सेव कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।